हम लोग बुलेट्स हैं, वो गाना उनको पता है कि हमें निशाने में मारना। अच्छा, तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट रही आपके इस पूरे करियर टेन्योर में, कि यू हैव बीन वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी, एंड यू हैव बीन डूइंग ब्रांडेड थिंग्स, राइट? आपने हर एरा का नथु खैर चीज नहीं पकड़ी एड्स के लिए, और मुझे ये बात बहुत पसंद है आपकी, और यही मेरी पर्सनैलिटी में है, आई गो फॉर क्वालिटी, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको लूज करूं, वही मैं उसको ही सस्टेन रखना चाहता हूं। कहते हैं ना, जो स्टार्ट से इमेज बन जाता है वही फिर हयात काम आता है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मॉडलिंग में कोई आपको हर्डल्स आई शुरू में, एनी हर्डल्स, एनी प्रॉब्लम जो आ जाती है अक्सर लोगों को? वो इस तरह से पॉलिश नहीं होती, इस तरह की सच सीन ही था कि जब मैं केआर के पास आया, फिर ऑब्वियसली आपको एक, मेरे लिए वो सारी चीजें चेंज थी बिल्कुल, मैं एक नए कल्चर में आ रहा था और मेरे लिए वो सबको चीजों को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल था। तो वो मैं अभी सारी चीजें देख रहा था उसको, ऐसा 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 अडेप्ट कर रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को इतनी मुश्किल, बस एक्सरसाइज, जिम, ट्रेनिंग और ये चीजें मेरे लिए मुश्किल थी। सबसे एक्सट्रीम जो बड़ी हर्डल थी वो क्या थी, खाना ही कम प्रॉब्लम, यानी खाना ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं कश्मीरी हूँ, मेरे घर में खाने अम्मी इतने आउट क्लास बनाती हैं, और इवन मेरे दोस्त स्पेशली आके खाते हैं। तो मेरे लिए क्योंकि काफी मुश्किल इस वजह से हो गया था कि क्या क्या मजे के खाने बन रहे होते, मैं सिर्फ उसको स्मेल करके, अरोमा उसकी स्मेल करके मैं आराम से साइड में जाके बैठ जाता था। ये भी बात है ना सारी, बिल्कुल ठीक है। इन चीजों में मैंने थोड़ी सी सेक्रीफाइस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद कौन कौन से ब्रांड्स किए आपने, लंबी टैग नहीं, डन मोर देन 70 के। ओह माय गॉड, दैट्स अ रियल अब्दुल्लाह। तो तुम्हें एक बात मुझे और याद आ गई कि आपने माशाल्लाह से लक्स स्टाइल अवार्ड भी विन किए, और क्या खूब विन किया, राइट? तो यू रियली डिजर्व इट, मतलब हमें कोई शक नहीं था कि उस साल की नॉमिनीज में आप सही मानों में हकदार थे कि यू नो विन कर जाते। सो कांग्रेट्स ऑन दैट टू, राइट? अच्छा, तो इस स्टेज पर पहुंचकर, आप किसी खास बंदे का थैंक्स करना चाहते हैं कि उसने आपको इस फील्ड में यू नो इन भी किया, और एनी टू थ्री लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं कोई जिनको आप थैंक्स करना चाहेंगे? बहुत से खबर रियाज के अलावा, खबर रियाज के अलावा मेरे दोस्त हैं एडिटर राहिल राव मैगजीन के, बिल्कुल उनका मैं थैंक्स करना चाहूंगा। फिर मेरे पेरेंट्स, और जो जिससे मैं रात को आ रहा होता था, लेट आ रहा होता था, या कभी मेरी वार्डरोब को सेट रखना, उसमें मेरी बहन का बहुत हाथ है। मैं उसे कहता हूँ तुम तो मेरी असिस्टेंट हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरह से मैं इन लोगों को, तो उसके बाद जबरदस्त इन हो गए, एंड नाउ यू आर एन अकम्प्लिश्ड सुपर मॉडल। बिल्कुल, आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला एजाज। टाइप करें एल एच आर स्पेस दे, अपना नाम लिखें और भेज दें सवाल अब्दुल्ला के लिए 6278 पे। अगर अब्दुल्ला से बात करनी है तो ठीक 11 बजे के बाद आपकी फोन लाइन ओपन कर दूंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, फिलहाल जुदाई जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। Thank you.
बिल्कुल, वी आर बैक आपके लिए जबरदस्त कमर्शियल्स। और अब्दुल्ला, आप कुछ बात कर रहे थे कि आपके एक और रूप शामिल होंगे आया तब जब आपने इमरान खान की जबरदस्त सी पैरोडी की हम सब उम्मीद से हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस रहा फिर? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कभी मैं इमरान खान की भी एक्टिंग कर सकता हूँ। मुझे बताइए। तो इस तरह से था कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी अब्दुल्ला तुम्हारे बड़ी अच्छी लुक्स हैं, तो बिल्कुल इमरान खान जैसी लुक्स हैं, तो 100% जो है ना तुम्हारी लुक हम इमरान खान जैसी बना देंगे, तुम उसमें 5% या 10% भी एफर्ट डाल दोगे ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होगी। क्या बात है। तो मैंने कहा ठीक है चले देखते हैं। तो मैं गया हूँ, उसके बाद उसी तरह से जो उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई है, तो मैंने कहा एक सेकंड इसको बंद करें, मैं अपनी करके दिखाता हूँ ना। तो खैर उन्होंने स्टार्ट की, तो मैंने कहा देखे जी आप मुल्तान जाओ, पिशावर जाओ और उनसे पूछे कि इमरान खान कैसा है, तो 100% लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छा है। तो वो तो जितने सारे लोग थे वो सारे इकट्ठे खड़े उसे ताली में जाने लग पड़े कि यार हम इमरान खान मिल गया, इमरान खान मिलते हैं। वो खैर वो मैं एक हमारे पास कोई अकेडमी तो ऐसी है नहीं जहां पे हम लोग जाके सीखें, तो मेरे लिए ये जो प्रोग्राम था एक बहुत बड़ी अकेडमी है जिसकी जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े सीनियर एक्टर्स भी थे उनसे भी मुलाकात हुई और काफी चीजें मैंने लर्न की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब आते हैं आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पे आ जाएं फिर। अच्छा आपकी फेवरेट मॉडल कौन है, फीमेल मेल बोथ राइट? ये जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए अब्दुल्ला। अगर फीमेल मॉडल की बात एक नाम लेने का बताता हूँ, एरिज बहुत अच्छी है। क्या बात है। और मेल मॉडल की मैं बात करूँ तो एक बहुत अच्छा मॉडल है अब्दुल्ला एजाज। अब्दुल्ला एजाज क्या बात है, सही कहा। अच्छा फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, एक्ट्रेसेस कोई है ड्रामा फिल्म एनीबॉडी फ्रॉम हम अपने मुल्क से ही हम साया में चले जाए कहीं भी जा सकते हैं हम। फेवरेट एक्टर इंडियन एक्टर ऋतिक रोशन और हॉलीवुड से देखने तो अल पचीनो। क्लास बिल्कुल ठीक है। फेवरेट फूड क्या है अब्दुल्ला एजाज का? देसी कुजीन ऑफ ऑल टाइप्स राइट। मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी कोरियन कुजीन चलती है कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल ठीक है। चाइनीज। एंड फेवरेट स्मेल परफ्यूम्स? बॉस। बिल्कुल ठीक है। एंड फेवरेट कलर? ब्लू। रीजन? डिपेंड करता है कभी कभी। आजकल मुझे वैसे जो पसंद है ना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंडिगो कलर बहुत पसंद है। इंडिगो वॉयलेट टाइप जो वॉयलेट कलर जो है बिल्कुल ठीक तो है। उसका और लाइट जो ग्रीन है उसका कॉम्बिनेशन उसका कंट्रास्ट बहुत मजे का होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। और ड्रेसिंग क्या होती है घर में हर वक्त? कैजुअल बहुत कॉम्फी क्वेश्चन ठीक है। बड़ी लेट तो बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन से हैं बनाए हैं कि मतलब होता है ना कि मॉडलिंग फील्ड में तो दोस्त नहीं बनते कहते हैं अक्सर लोग, क्या सच है? नहीं बन जाते हैं बहुत अच्छे दोस्त। अब जितने भी मेरे हम जितने भी मॉडल्स हैं रिजवान हो गया आमिर खान हो गया या बाकी दूसरे जितने भी लड़के हो गए हम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारी, बल्कि मैं बहुत कुछ इनको बताता हूँ सजेस्ट करता हूँ या उनसे मुझे काफी चीजें मिलती हैं हेल्प आउट होती हैं, तो हम लोग आपस में बहुत शेयरिंग। हमारे शो में जब फीमेल मॉडल्स आई वो कहती हैं कि फीमेल मॉडल्स में आपस में जेलसी बहुत होती है, यार वो क्यों वो कर रही है तो वो क्यों कर रही है, वो से बात कर रही है। सिर्फ फीमेल मॉडल्स में नहीं होती, वो फीमेल में मेरे ख्याल से होती है। नहीं देखिए मैं जो पूछने जा रहा हूँ अब्दुल्ला कि क्या ये मेल मॉडल्स में भी इन है या नहीं? हमारे अगर अपनी बात करते हैं ना अपने लड़कों की तो उनमें तो बिल्कुल नहीं है, माइट भी बाहर जितने भी लोग हैं उनमें ये चीज होती हो टू सम एक्सटेंट है ये चीज पाई जाती है, कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जैसे उसकी रेशो होती है। और फेवरेट सिंगर कौन है आपके? फेवरेट सिंगर मेरे हैं सोनू निगम, और उसका हम लोग बल्कि सॉन्ग भी सुनेंगे, बल्कि आपसे हम गाना भी सुनेंगे फिर तो। गाना आज तो गाना पड़ेगा शो में मसाला में जो आ गया ना फिर वो गाना गाने का। और फिलहाल हम जो गाना सुन रहे हैं वो है अली जफर की आवाज में। अब बता गाना कौन सा है? देखा जो तेरी आंखों में राइट। और जी हाँ लिस्टर्स हम जाएंगे